और इसमें मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से, जहां पर केवलारी विकास खंड के अंतर्गत आने वाला पुलिस थाना क्षेत्र उगली शगन वन बाहुल्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां विगत माह में हिंसक तेंदुए के हमले से 3 अलग अलग शिकार की वारदातें घटी थी, जिसको देखते हुए ग्रामीण अंचलों के और जनप्रतिनिधियों ने वन विभाग के अधिकारियों को हस्तलिखित ज्ञापन सैकड़ों की तादाद में सौंपा गया। तब जाकर वन विभाग ने उक्त सघन वन क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में 4 पिंजरे और 10 ट्रैपिंग कैमरे लगाए गए थे, जिसके आधार पर गत दिवस शाम 5 बजे सरेखा अंतर्गत ग्राम पंचायत रतनपुर के धार्मिक स्थल भुखमरिया बाबा के नज़दीक पिंजरे में एक तेंदुआ फंस गया। प्राप्त जानकारी अनुसार ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। घटना स्थल पर वन विभाग की टीम उपस्थित होकर देर रात को रेस्क्यू करते हुए उक्त हिंसक तेंदुए को भोपाल वन विहार शिफ्ट कर दिया गया। चूंकि क्षेत्र में अभी भी हिंसक तेंदुए और जंगली जानवरों का मूवमेंट कम नहीं हुआ है, आपको बता दें कि गत दिवस शाम को 4 बजे पांड्या छपारा निकट ग्राम जेवनारा और बेलगांव के अध्ययनरत छात्र जो वन मार्ग से होते हुए अपने घर की ओर जाते हैं, में ग्रामीणों ने खेत में जंगली जानवर का मूवमेंट देखा और इसकी सूचना वन विभाग को दी। तब जाकर उक्त छात्रों को कनारी मार्ग होते हुए अपने घर सुरक्षित भिजवाया गया। MP24 न्यूज़ के लिए सिवनी जिले से राजदीप रांगडाले की रिपोर्ट।